भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई सांसद सावित्री बाई फुले अपने संसदीय क्षेत्र के नानपारा कस्बे में थी। यहां वो 5 साल के विकास के बदले वोट मांग रही थी, लेकिन एक युवक ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया। सांसद सावित्री बाई फुले झुंझलाकर मौके से चली गई। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। भाजपा से पहली बार बनी सांसद। 2014 के लोकसभा चुनाव में सावित्री बाई फुले ने भाजपा के टिकट पर बहराइच सुरक्षित सीट से चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने सावित्री को बहराइच से ही टिकट दिया। जनसंपर्क छोड़ वापस लौटी सावित्री। बहराइच में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होना है। चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर सावित्री जनता जनार्दन के दरबार में हाजिरी लगा रही है। वही जनता अब उनसे उनके ओर से कराए गए कामों का हिसाब मांग रही है। सांसद और कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री फुले नानापारा में लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही थी। उसी दौरान लोगों ने उनसे पिछले 5 सालों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। जानकारी मांगने पर वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई। लोगों के विरोध के कारण उन्हें अपना जनसंपर्क अभियान रोकना पड़ा, जिसके बाद वो अपने चंद समर्थकों के साथ मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से खिसक गई।